नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स पर यारोसी में आपका स्वागत है। आज मैं पत्ते गोभी की एक रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, पत्ते गोभी से तो आपने सब्जी बहुत बना के खाई होगी, लेकिन आज मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, इसमें देखेंगे कि मैं क्या बनाऊँगी। तो रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमें पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, फिर इसे हम एकदम से पतले पतले आकार में काटेंगे। एकदम पतले पतले स्लाइसेस होते हैं ना, उसी तरह हमें इसे काटना है, इस तरह से। जब तक कि मैं पत्ते गोभी को काटती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से पतले पतले आकार में हमें इसे काटना है। मैंने पत्ता गोभी को काट लिया है, अब इसे चलिए धो लेते हैं। इसको धो लेने के बाद हमें इसका पानी अच्छे से निकाल देना है, जिसके लिए हमें एक छन्नी चाहिए इस तरह का, और इसी में हम इसे छान के रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। मैंने पत्ता गोभी का सारा पानी निकाल लिया है, अब इसे इसमें डाल दूंगी बोल में। अब हमें क्या करना है, हमें एक आलू लेना है जिसको छील लिया है मैंने, फिर उसे इस तरह से हम पत्ता गोभी के अंदर घिस के डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम आलू को घिस के इसमें डालना है। आलू को घिस लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज, मैंने ये प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट किया है, अब इसको ऐड करूंगी। इसके बाद हरी मिर्च और कटी हुई धनिया के पत्ते। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, इन सब को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक अभी नहीं डालना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक, और ये बेसन, बेसन को भी डालना है। अब सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने हरा मिर्च ही काट के इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। थोड़ी देर में ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। चलिए अब गैस के पास चलते हैं। अब हमें कढ़ाई गरम करना है। कढ़ाई के अंदर हम तेल ले लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें इस तरह से लेके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हमें चारों तरफ कढ़ाई के अंदर फैला देना है। इस तरह से हम फैला देंगे, और एक साइड अच्छे से पहले पका के तब इसे उलट के दूसरे साइड भी पकाएंगे। ये देखिए, ये एक साइड पक चुकी है, अब हम इसे इस तरह से दूसरी साइड भी पका लेंगे। आपने तो प्याज के, बैंगन के, बहुत सारे चीज़ों के पकौड़े खाए होंगे। पत्ता गोभी की ये रेसिपी आप एक बार इवनिंग स्नैक्स में शाम को चाय के साथ खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटपटा है, क्योंकि इसमें हमने आमचूर मिर्च सब डाला है और ये अलग तरह का ही पकौड़ा लगता है। ये देखिए पक चुकी है, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, बाकी सबको भी हम ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस तरह से चलिए बाकी सबको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सभी वैसे ही हम छोटे छोटे साइज के आकार में डालते जाएंगे तेल में, और इसे भी हम तल के निकाल लेंगे। हमारी पत्ता गोभी की ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए एक बार देख ले, देखिए कितना क्रंची बनती है। देखिए आवाज़ सुने, ये बहुत ही क्रंची बनती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मा गर्म चाय के साथ अगर स्नैक्स में इसे खा ले तो बात ही क्या है। चलिए आइए अब सर्व करते हैं। हमारी पत्ता गोभी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बच्चे अधिकतर पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर बच्चों को पत्ता गोभी खिलाना हो तो आप ऐसे ज़रूर बना के उन्हें खिलाइए, वो बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इसे शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं, मैं अभी इसे चटनी के साथ खाऊंगी। तो चलिए ये देख लेते हैं, देखिए कितनी क्रंची बनी है। चलिए टेस्ट करते हैं।